हेलो एवरीवन। तो मैंने आपको बताया था ना कि हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश साइड में बारिश का बहुत तेज भाव है, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, अभी इतनी तेज बारिश हो रही है, अभी तक सब कुछ पानी देख सकते हो आप यहाँ से कैसे बह रहा है। एकदम इतनी तेज भाव को देख के तो कोई भी घबरा जाए। वो तो ऐसा है कि मैं जल्दी आ गई और मेरा भाई अभी भी स्कूल में अटका हुआ है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा उसको आने में। एंड जबकि बारिश आप देख सकते हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है। बस कुछ ही देर हुआ है मेरे को आए हुए यहाँ पे। ये देखो, देखने को मिल सकता है आपको। मैं तो इसकी आवाज़ से ही घबरा रही हूँ भाई, बहुत डर लग रहा है इसकी आवाज़ से। पहले तो बहुत साफ था मौसम, फिर अचानक ही इतनी तेज़ बारिश देख के ना किसी का भी जी हिल जाए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे टायर को देखिए कैसे पानी ऐसे फाटते हुए जा रहा है, सारी चीज़ों को अपने साथ भाग कर ले जा रहा है। जैसे बहुत टेंशन में हूँ कि कितना टाइम और कैसे लगेगा, कैसे तो आएगा, तो लगता है कि पापा ही जाएंगे उसे लेने के लिए। सुबह कोट वगैरह भी कुछ नहीं लेके गया। मैं तो जैसे तैसे 10 मिनट पहले पहुँच गई, और पहले पहुँचने का बस मैं सुखी रही कि मैं भीगी नहीं, बच गई मैं। और वैसे भी मेरे पास तो छतरी भी थी, छतरी भी लेकर गई हूँ, तो ऐसी बारिश तो भाई हिल जाए, मन भी हिल जाए। तो अब देखते हैं, आप भी देखो, जब भी कृष्णा आएगा मैं आपको अपडेट दूंगी। कृष्णा बस मैं उसी के बारे में सोचने में पागल हूँ। ये देखो टायर कितने कितने डूब रहे हैं, देखो पानी का फोर्स आप देख सकते हो इतना ज़्यादा है। कोई भी गाड़ी आ रही ना, उन गाड़ी वालों को भी घबराहट हो रही है। वो रील तो आपने देखी होगी ना कि जब भी कोई गाड़ी है कीचड़ के पास से जाती है तो पास वाले लोग पत्थर उठा के खड़े हो जाते हैं, जिससे फिर वो गाड़ी अपनी स्पीड कम कर लेती है। पानी आप देखो कैसे भर रहा है, हे भगवान। भगवान कृष्णा कैसे आएगा पता नहीं। 5:30 बजे उसकी छुट्टी होने वाली थी और अब बज रहे हैं 5:18। तो हम बस यही सोच रहे हैं कि छुट्टी होने के बाद पापा कैसे जाएंगे इतनी बारिश में। ये मेरा स्टूडेंट है एक, देखो आराम से आराम से। तो हम लोगों को ऐसे चलना पड़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। फिलहाल बारिश तो रुक चुकी है, पापा कृष्णा को लेने के लिए गए हैं अभी, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, रुकने वाली बात भी नहीं है। देखो पर पानी का भाव देखो आप भाई कितना तेज़ है, ये पानी एकदम भागे ही जा रहा है। ऐसे में मुश्किल हो जाती है ना कोई साइकिल लेके जाता है तो देख सकते हैं आप कैसे। आगे बहुत सारी गलियों में डिवाइडेड है ना ये KLR, तो ऐसा है ब्लॉक्स में डिवाइडेड है सारे रोड्स, तो उन रोडों में से निकल निकल के पानी आ रहा है और वहाँ पे जाएगा आगे। तो मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि कृष्णा और पापा दोनों कब आएंगे, और कहीं उनके आने से पहले बारिश फिर उतनी तेज़ी से शुरू ना हो जाए। बस आप भी मिलकर प्रेयर ही कीजिए कि वो जल्दी से आ जाए दोनों। तो देखिए पापा आ गए हैं कृष्णा का बैग लेकर। ये रे पापा बैग भीग चुका है यहाँ पे देख सकते हैं। कृष्णा कहाँ पे है, वो भी साइकिल लेके आता ही होगा पीछे। ठीक, पापा तो पूरे भीग गए हैं, तो रास्ता ही ऐसा था, प्लस बारिश भी हो ही रही है। कहाँ रुकी है देखना, कृष्णा कहाँ पे है, कृष्णा आता ही होगा, बस साइकिल पे है ना, तो थोड़ा पानी में दिक्कत होती है चलाने के लिए। देखिए कृष्णा आता हुआ नज़र आ रहा है, वो रात ये भी पूरा ही भीग गया है। ये तो सोच रहा था सुबह सुबह बारिश हो जाती तो स्कूल की छुट्टी लग जाती, देखिए पूरा भीग गया है बेचारा। कैसा लग रहा है कृष्णा भीग के आते, दिमाग खराब हो गया? देखा बच्चों के मन की यही होती है, सुबह जब छुट्टी करनी थी तब तो छुट्टी कर ही नहीं, बारिश आनी थी आई नहीं तब तो, और अब इतना जी भर के बरस रहा है। तो देखा आपने ये पूरा भीग गया है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश है। आपके यहाँ कैसा मौसम है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। बाय।